Hello students, welcome to Prades Education and welcome to Prades Example. So example में हमने डी एन एफ ब्लॉक स्टार्ट किया है बच्चों. तो डी एन एफ ब्लॉक में अब तक हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन देखा था, वॉट इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट. उसके बाद उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी अलॉय, इफ इट इज़ फॉर्मिंग अलॉय सो वाई इट इज़ फॉर्मिंग अलॉय, वाई इट इज़ फॉर्मिंग इंटरस्टीशियल काइंड ऑफ कंपाउंड, और उसकी वाई दे आर फॉर्मिंग कलर्ड कंपाउंड, वाई दे आर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस, वाई दे आर हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. सो देर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर इन आर प्रीवियस क्लासेस. तो आज हम, और लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद उसकी क्या केमिकल रिएक्शंस हैं. तो आज एक और आपका टॉपिक बाकी है, हाउ टू प्रिपेयर योर पोटेशियम परमैंगनेट, एंड उसके बाद उसके कुछ रिएक्शंस हम देखेंगे जल्दी जल्दी से. और फिर हम इस टॉपिक के बेस पे, डी ब्लॉक के बेस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे. सो बिफोर दैट लेट्स हैव अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट आवर ऐप. Our Prades Education app is having classroom videos, it is having 3D videos, lecture videos are also there, smart board videos are available, recent live lectures भी upload होते हैं. अगर इन केस मिस हो जाता है आपका live lectures तो आप वहाँ भी देख सकते हो. Lot of content, free solution, practice tests, worksheets and yes doubt session also we give for student. उसके साथ साथ most important announcement is what for KG 1 टू टेंथ स्टैंडर्ड बेसिक अमाउंट इज 30,000 बट यू कैन ग्रैप दिस अपॉर्चुनिटी ओनली एट 9999 रुपीज बाय अप्लाइंग दिस कूपन कोड दैट इज Prades-10. सेम फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो. सो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज देयर फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स, ग्रैप दिस अपॉर्चुनिटी. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ डी और एफ ब्लॉक हमने स्टार्ट किया है, इसमें हमने सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, वाई दे आर शोइंग कैटालिटिक प्रॉपर्टी, वाई दे आर हैविंग, व्हाट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिलेटेड टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड देन व्हाट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर डी ब्लॉक एलिमेंट, वाई दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड. सो लॉर्ड देर आर सो मेनी थिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. फॉर्मेशन ऑफ अलॉय ऑल्सो वी डिस्कस्ड. फॉर्मेशन ऑफ अलॉय, अलॉयज क्यों फॉर्म करते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, और अलॉयज की प्रॉपर्टी उनके पेरेंट मेटल से ज़्यादा इन्हांस्ड होती है वो भी हमने देखा था. दे फॉर्म इंटरस्टीशियल कंपाउंड, सो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड, दैट ऑल्सो वी हैड सीन. फिर उसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्साइड्स भी फॉर्म करते हैं. तो हायर ऑक्साइड्स में मोस्टली वो, हायर ऑक्साइड्स में मोस्टली वो किस फॉर्म में रहते हैं, एसिडिक फॉर्म में रहते हैं. लोअर ऑक्साइड्स में वो बेसिक फॉर्म में रहते हैं, और मिडिल वाले जो ऑक्साइड की रेंज है उसमें वो एम्फोट्रिक नेचर बिहेव करते हैं. एंड देन वी हैड स्टार्टेड विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन, जिसको कि हमने क्रोमाइट ओर से बनाया था. तीन स्टेप में हमने ये अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाया था. पहले स्टेप में क्या किया था, क्रोमाइट ओर को हमने एक्सेस ऑफ एयर में और सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में हमने उसको सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट किया था. पर हमको तो सोडियम डाइक्रोमेट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद सोडियम को पोटेशियम से रिप्लेस करना पड़ेगा. तो हमने क्या किया था, क्रोमाइट ओर को हमने वॉशिंग सोडा और एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में ट्रीट किया. तो आपका क्रोमाइट ओर जो है वो सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो गया. फिर सोडियम क्रोमेट को हमने एसिडिक मीडियम में ट्रीट किया तो वो डाइक्रोमेट में चेंज हो गया, ठीक है. और ये डाइक्रोमेट जो है उसको जब हमने HCl के साथ ट्रीट किया तो वो पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया. तो ये तीन स्टेप में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर किया था. प्रॉपर्टीज भी हमने देखी थी कि अगर हम यहाँ पे हम डाइक्रोमेट को एल्कली के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो वो क्रोमेट बन जा रहा है, और क्रोमेट को फिर से अगर हम एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो वो डाइक्रोमेट हो जाएगा, ये हमने देखा था, राइट. तो यहाँ पे क्रोमेट का जो कलर होता है, क्रोमेट का ओरिजिनल कलर येलो होता है, डाइक्रोमेट का ऑरेंज रेड कलर होता है. तो बच्चों एक यहाँ पे देखो, क्रोमेट इज CrO4, दोनों पे चार्ज तो एक ही है बट दो में नंबर ऑफ क्रोमियम एंड ऑक्सीजन इज डिफरेंट. सो दिस इज क्रोमेट. ये अगर दो चीज़ आप याद रखते हो ना, क्रोमेट और डाइक्रोमेट. सो दिस इज डाइक्रोमेट, ठीक है, दिस इज डाइक्रोमेट, द
दिस इज डाइक्रोमेट. ये आयनिक फॉर्म में अगर आपको रिप्रेजेंट करना करने को पूछा जाएगा तो आप आयनिक फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हो, दिस इज डाइक्रोमेट एंड दिस इज क्रोमेट. तो ये अगर दो चीज़ आपको याद रहेगी तो आपके लिए रिएक्शन बहुत ईजी हो जाता है. सो क्रोमेट टू डाइक्रोमेट कैसे कन्वर्ट होता है, जब इसको हम बेसिक से ट्रीट करते हैं, और वहीं जब डाइक्रोमेट को फिर से हम बेसिक से ट्रीट करेंगे तो ये क्रोमेट में चेंज हो जाएगा. सो ये रिएक्शन एल्कली के साथ रिवर्सिबल दिखाता है, ये हमने देखा था. उसके बाद हमने देखा था कि योर डाइक्रोमेट इज एक्टिंग एज ए वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो कहाँ कहाँ पे ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है उसके लिए हमने रिएक्शंस भी देखा था. अब बच्चों देखो, जो अपना नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, KMnO4 भी एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो इस पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी रोल किस तरह से ये ऑक्सीडेशन कर रहा है आपके रिएक्शन का, तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट यही सारे रिएक्शन हम वहाँ भी देखेंगे. किस तरह से फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर हम स्टेनस को स्टेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट में किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं. तो ये सारा का सारा रिएक्शन आप वहाँ देखोगे. सिर्फ इंस्टेड ऑफ डाइक्रोमेट देयर विल गोइंग टू यूज पोटेशियम पर मैग्नेट. ठीक है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट हम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ डाइक्रोमेट. बाकी ये पूरा जो रिएक्शन है एग्जैक्टली सेम होने वाला है. सो लाइक आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन, तो ये सारा रिएक्शन हम सेम देखेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट में. तो स्टार्ट करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट को. पोटेशियम पर मैग्नेट, अब यहाँ पे देखो जिस तरह से वहाँ पे हमने क्रोमाइट ओर से बनाया था अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट, वैसे ही यहाँ पे हम यहाँ भी एक ओर यूज़ करेंगे और उस ओर से ही हम यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट को बनाएंगे. तो इसके लिए हमने पायरोसाइट ओर लिया है. MnO2 इज़ योर पायरोसाइट ओर. अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे एक्सेस ऑफ एयर में. ठीक है, और एक्सेस ऑफ एयर में एल्कली के साथ ट्रीट करने के बाद ये आपका पायरोसाइट ओर ये पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज पोटेशियम मैग्नेट. तो यहाँ भी देखो दो चीज़ है, मैग्नेट है और पर मैग्नेट है. ठीक है, तो ये मैग्नेट में हो जा रहा है कन्वर्ट, पोटेशियम मैग्नेट. और इसी पोटेशियम मैग्नेट को, पोटेशियम मैग्नेट को जब हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ भी एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैग्नेट और पर मैग्नेट में क्या डिफरेंस है. तो ये रहा मेरा मैग्नेट, दिस इज माय मैग्नेट जिसके ऊपर -2 का चार्ज रहता है, पर मैग्नेट पे -1 का चार्ज रहता है. ये दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, तो मैग्नेट इज वॉट MnO4, ये भी आपका MnO4 ही है. यहाँ पे -2 का चार्ज रहेगा मैग्नेट पे, पर मैग्नेट पे -1 का चार्ज रहेगा. तो ये है पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट एंड दिस इज पोटेशियम पर मैग्नेट. पोटेशियम पर मैग्नेट है, बस यही दोनों में डिफरेंस है. इस पे -2 का चार्ज रहेगा, इस पे -1 का चार्ज रहेगा. ठीक है, तो कैसे हमने दो स्टेप पे इसको प्रिपेयर किया, ये दो स्टेप में आराम से प्रिपेयर हो जाता है. फर्स्ट स्टेप में हमने पायरोसाइट ओर लिया, पायरोसाइट ओर को हमने एल्कली और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया तो ये पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया. इसी पोटेशियम मैग्नेट को फिर से आप एसिडिक मीडियम में जब ट्रीट करोगे तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड अलॉन्ग विद दिस यू विल गोइंग टू गेट सम अमाउंट ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, और वाटर भी यहाँ पे रिलीज होता है. तो देखो यहाँ पे इस वाले मेथड का एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे पायरोलोसाइट जो है वो कम्प्लीटली पर मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, उसका बहुत सारा पार्ट बाय प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में भी चला जाता है. तो ये किसका डिसएडवांटेज है इस मेथड का. सो कमर्शियली इसको हम प्रिपेयर करते हैं, कमर्शियली कैसे प्रिपेयर करते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ पायरोलोसाइट ओर फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनेट. तो यहाँ पे इसको हमने सबसे पहले फ्यूज़ किया है पायरोसाइट ओर को और KOH के साथ सेम टू सेम अभी जो हमने देखा था एक्सेस ऑफ एयर में. तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मैग्नेट में,
पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पोटेशियम मैग्नेट को फिर से हम फ्यूज करेंगे KOH दैट इज एल्कली के साथ और एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में, तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड है, इस मेथड के थ्रू हम इसको यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। तो प्रीवियस वाला जो आपका था मेथड था वहाँ पे मैंने बताया बहुत सारे बाय प्रोडक्ट भी मिलते हैं MnO2 के जो कि सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, बट यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में आपका ये जो ओर है इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन मेथड से मैक्सिमम अमाउंट में आपका ये ओर आपके पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक लेबोरेटरी मेथड भी है जिस मेथड में हम प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पे इन लेबोरेटरी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज आयन सॉल्ट बाय पर ऑक्साइड सल्फेट। सो मैंगनीज आयन को हम यहाँ पे पर ऑक्सो डाइसल्फेट के प्रेजेंस में हम इसको पर मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंगनीज 2, ठीक है, जिस पे मैंगनीज का कोई भी सॉल्ट जिससे +2 का ऑक्सीडेशन होगा, ऐसे सॉल्ट को हम यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट में इजिली पर ऑक्सो डाइसल्फेट के ट्रीटमेंट से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये भी एक मेथड है। बच्चों देखो, रिएक्शन तो हर एक रिएक्शन यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा आपको। डी ब्लॉक में बहुत सारे रिएक्शंस हैं, लिमिटेड हैं, इतने भी ज़्यादा नहीं है, पर ये सारे के सारे रिएक्शन आपको लर्न करने पड़ेंगे। और दूसरी बात, ये सारे रिएक्शंस की एग्ज़ाम में जब आप लिखोगे तो इनकी बैलेंसिंग होनी चाहिए, क्योंकि हाफ मार्क जो होता है बैलेंसिंग में के लिए होता है, और बैलेंसिंग अगर हम प्रॉपर नहीं करते हैं तो हमारे मार्क्स कट होते हैं। तो ये लर्न कैसे करोगे, प्रैक्टिस करके आपको ये लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। लिमिटेड रिएक्शन है आपके डी ब्लॉक में, एफ में तो है नहीं, डी में है लिमिटेड रिएक्शन, और ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। डार्क पर्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है आपका, डार्क पर्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ओके। एंड डार्क पर्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड ये मोस्टली आपका वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होता है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में ये आपका यूज होता है। कहाँ, ये वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होता है, ठीक है। ये वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, ये डीकम्पोज होता है जब आपका, तो ये आपका पर मैग्नेट से मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ऑलमोस्ट 500 केल्विन पे ये हीट करने पर ये डीकम्पोज होके आपका मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे मैग्नेट का हमने देखा था मैग्नेट का चार्ज -2 था, तो -1 से ये कन्वर्ट हो जाता है आपका -2 में। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हमने बताया था कि ये जो है एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। तो सेम टू सेम जो रिएक्शन हमने पीछे देखा था आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए, वही सारा रिएक्शन हम इसके लिए भी देखेंगे। सो इट एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक एल्कलाइन एंड न्यूट्रल मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, इन एसिडिक मीडियम इट ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड टू आयोडीन, सेम रिएक्शन जो हमने देखा था पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए। तो ये कैसे, KI जो है, ये जो आयोडाइड है आपका, ये आयोडीन में किस तरह से कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में ये आपका अच्छा खासा ऑक्सीडाइज करता है पोटेशियम आयोडाइड को। देखो, ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा पूरा आपको ये नहीं लिखना है, सिर्फ नेट रिएक्शन आपको लिखना है आयंस का, और इसकी बैलेंसिंग भी कम्प्लीटली होनी चाहिए। बैलेंसिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, एसिडिक मीडियम में फेरस टू फेरिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे फेरस टू +2 टू +3 में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडियम में। सेम रिएक्शन है बच्चा जो हमने अपने पोटेशियम डाइक्रोमेट में देखा था, सेम टू सेम वही रिएक्शन है, सिर्फ यहाँ पे डाइक्रोमेट के बदले यहाँ पर मैग्नेट लिख दिया है, अदरवाइज रिएक्शन इज एग्जैक्टली सेम। उसके अलावा यहाँ पे जो सॉल्ट है वो क्रोमियम का सॉल्ट ना होगी, वो मैंगनीज का सॉल्ट होगा। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज द होल रिएक्शन इज सेम। थर्ड आपका जो रहेगा वो ऑक्सलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सलेट को ऑक्सीडाइज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ पे भी आपके कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ जा रहा है। तो यू कैन सी योर इट इज ऑक्सीडाइजिंग योर ऑक्सलेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड।
एंड इन वॉट मीडियम, इन एसिडिक मीडियम. सो पोटेशियम पर मैंगनेट के इतने सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस हैं. हर एक रिएक्शन को हमको बैलेंसिंग के साथ लर्न करना है. हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर दिया है. सो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर दिया है एसिडिक मीडियम में किसने, पोटेशियम पर मैग्नेट ने. सो ये भी देखो सेम टू सेम रिएक्शन है, सारा रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है. अगर आप देखोगे तो पीछे वाला भी क्या रिएक्शन था, अभी अभी हमने देखा पीछे वाला हाइड्रोजन सल्फाइड टू, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर. ठीक है, अगर सारे रिएक्शन को हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हो क्या चेंजेस है. सिर्फ ये वाला चेंजेस है, दिस इज चेंजिंग इन एवरी रिएक्शन, ओनली दिस इज चेंजिंग इन एवरी रिएक्शन, रेस्ट ऑल. बाकी ये जो फोर आयन्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, सारे के सारे सेम है. अगर आप दूसरे वाले रिएक्शन में देखोगे तो यहाँ भी देख सकते हो आप, सिर्फ देखो ये चेंज हो रहा है. ठीक है, ये चेंज हो रहा है यहाँ पर और ये चेंज हो रहा है यहाँ पर. बाकी सारे आयन्स जो आपके प्रीवियस वाले रिएक्शन में थे एग्जैक्टली वही हैं, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आ रहा है. ठीक है, इसके बाद वाला भी अगर हम देखेंगे तो नाइट्राइड टू नाइट्रेट, तो देखो फिर से सारे आयन्स वही है, पर मैग्नेट है एसिडिक मीडियम में, वही सेम टू सेम है. फिर यहाँ पे Mn+2 का सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है. सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जिसका ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं. बाकी आपका मीडियम वही है, आपके बायो प्रोडक्ट वही है एग्जैक्टली. सिर्फ जो जहाँ पे मेन ऑक्सीडेशन हो रहा है जिस भी एटम पे, बस वही चेंज हो रहा है आपका, अदरवाइज योर ऑल रिएक्शंस आर एग्जैक्टली सेम. ठीक है, नेक्स्ट अगर आप चलो न्यूट्रल एल्कलाइन, अब तक हम एसिडिक मीडियम में देख रहे थे, अब एल्कलाइन मीडियम अगर आप बात करोगे एल्कलाइन मीडियम में क्या चेंजेस हो रहा है. सो एल्कलाइन मीडियम में आयोडाइड टू आयोडेट हो जाता है, ये एल्कलाइन मीडियम में आयोडाइन टू ये आयोडेट हो जाता है. तो चेंजेस यहाँ पे अब आएंगे, ऑक्सीजन के साथ ये अटैच होके आयोडेट में कन्वर्ट हो जा रहा है. ठीक है, अब चेंजेस देखो वहाँ भी क्या चेंजेस था, वहाँ हमने क्या किया था, हमारा जो पर मैग्नेट को हमने एसिडिक मीडियम में यूज़ किया था. और ये एसिडिक मीडियम यूज़ करके हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहे थे आपके पर्टिकुलर आयन्स का, पर्टिकुलर एलिमेंट का. तो आयोडीन जैसे आपका आयोडाइड में चेंज हो गया, तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बना था, हमारा मैंगनीज का प्लस टू का बाय प्रोडक्ट बना था, उसके साथ साथ हमारा वाटर रिलीज हुआ था. तो चेंजेस कहाँ आया था, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस हो रहा था आयोडीन टू आयोडाइड, सिर्फ यहीं पे चेंजेस आ रहा था. ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे एल्कली मीडियम में हम यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं. सो यहाँ पे देखो अब सारा रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम होगा एल्कली मीडियम में भी. तो यहाँ पे आयोडाइड टू आयोडेट हो गया है, आयोडेट हो गया है, ये आयोडेट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ उसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया है. अब मैंगनीज टू मैंगनीज ऑक्साइड, सब जगह अब ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा. सो यहाँ पे मैंगनीज से मैंगनीज ऑक्साइड हो जा रहा है. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है. सो थायोसल्फेट टू सल्फेट. ठीक है, थायोसल्फेट टू सल्फेट. तो यहाँ पे एग्जैक्टली बायो प्रोडक्ट देखो हर जगह सेम ही दिखेगा आपको, सेम टू सेम बायो प्रोडक्ट दिख रहा है, H2O एंड योर हाइड्रोक्सिल आयंस. ठीक है, और ये तो हर जगह हम पोटेशियम पर मैग्नेट यूज कर रहे हैं. सो ओनली द बाय प्रोडक्ट इज सेम, ओनली द मेन वेयर एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग दैट इज चेंजिंग. तो मेरा एक सजेशन है, सारे रिएक्शंस को बच्चों एक साथ लिखो. वो एसिडिक मीडियम में कितने रिएक्शन है उसको एक साथ लिखो, एल्कलाइन मीडियम में जितने रिएक्शन है उसको एक साथ लिखो. तो जब सारे रिएक्शंस आप एक साथ लिखोगे तो उस टाइम पे कंपेयर करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए. तो इजीली आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पे सिमिलैरिटी आपको ज़्यादा दिखेगी, डिफरेंस आपको कम दिखेगा. तो जो डिफरेंस है बस उसको आपको माइंड में फिट करना पड़ेगा, तो लर्न करने में आपको बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, सो यूजर्स क्या है, लेट्स सी द यूजर्स ऑफ योर दिस पोटेशियम पर मैग्नेट. इट इज़ यूज इन ब्लीचिंग ऑफ वूल, बिकॉज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ब्लीचिंग में मोस्टली यूज होगा. वूल का ब्लीचिंग, सिल्क ब्लीचिंग, कॉटन एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर के ब्लीचिंग में ये यूज़ होता है.
डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल, ऑयल के कलर को रिमूव करने के लिए भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑयल का कलर रिमूव हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डीकलराइजेशन प्रोसेस. तो ऑयल के कलर को डीकलराइज करने के लिए, रिमूव करने के लिए भी इसे यूज किया जाता है. एनालिटिकल केमिस्ट्री में टाइट्रेशन में मैंने बताया था स्टैंडर्ड सोल्यूशन, एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज होता है. सो इट इज यूज एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन योर एनालिटिकल केमिस्ट्री इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन. सो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में ये बहुत ज़्यादा, ये और आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों ही प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन एक्ट करते हैं. प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन मतलब क्या होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होता है. तो दोनों ही आपकी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में ब्यूरेट सोल्यूशन की जगह पे फिल किए जाते हैं. सो दोनों ही वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ हो रहे हैं. ऑर्गेनिक सिंथेसिस में मोस्टली ये क्यों यूज होता है, क्योंकि ये मैंने अभी बताया ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसका बड़ा काम आता है. ये हर जगह पर, जैसे आपके अल्कोहल को अगर हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, या एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करना है, तो ये ऑक्सीडेशन से ही होगा. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वहाँ पर ये एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है आपके ऑर्गेनिक सिंथेसिस रिएक्शन में. ओके, सो दीज आर द यूजेस. नाउ स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली लाइक योर क्रोमेट. ठीक है, स्ट्रक्चर आपका, ये आपका पर मैग्नेट है एंड दिस इज मैग्नेट. ठीक है, ये आपका पर मैग, ये दिस इज मैग्नेट माइनस टू है. ठीक है, MnO4 माइनस टू, दिस इज मैग्नेट एंड दिस इज पर मैग्नेट. ठीक है, तो इसका कलर पर्पल होता है एंड दिस इज ग्रीन इन कलर, दिस इज ग्रीन इन कलर. तो इसके ऊपर माइनस टू का चार्ज है, आप देख सकते हो दो ऑक्सीजन पे माइनस टू का चार्ज है और यहाँ पे माइनस वन का ही चार्ज है. यहाँ पे मैंगनीज दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, यहाँ पे तीन बॉन्ड के डबल बॉन्ड के थ्रू मैंगनीज ऑक्सीजन को अटैच है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ वेरी इंपॉर्टेंट आयन्स ऑफ योर पोटेशियम पर मैग्नेट. नेक्स्ट इज निमोनिक्स आर गिवन. तो निमोनिक्स क्या दिया है एग्जैक्टली, निमोनिक्स आपके पीरियोडिक टेबल का दिया है. तो पीरियोडिक टेबल लर्न करने का टेक्टिक्स ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे अपलोड है, वहाँ पे सारे मेमोरी टिप्स मैंने दिए हैं डी और एफ ब्लॉक के. तो वहाँ से आप बिल्कुल रेफर कर सकते हो मेमोरी टिप्स. ठीक है, और उसके साथ यहाँ भी दिए गए हैं, तो ये डिफरेंट है और जो मैंने दिया है वो भी मेमोरी टिप्स टोटली डिफरेंट है. तो दोनों में से जो आपको इजी लगता है वो आप रेफर कर सकते हो. सो लाइक फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो उसके लिए एक दिया है स्केरी टाइनी विशियस क्रिएचर फेलो काउ नीलगाय कॉगर जेब्रा. ठीक है, तो ये एक, इसके अलावा भी देखो मैंने ईजी वाला भी दिया है, जैसे स्कूल टीचर, Very cruel man, फेको निकुंज, ये easy वाला मैंने दिया है. तो मेरे हमारे वेबसाइट पर easy वाला भी अपलोडेड है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो. Like school teacher या science teacher, जो भी आपको लगता है cruel, very cruel man. ठीक है, अब इसके बाद जो है ये मैंने ऐसे ही बना दिया है, क्योंकि कभी भी कोई भी सीरीज को ना आप या ग्रुप को आप दो पार्ट में, अगर ज़्यादा एलिमेंट है तो ट्राई करो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके उसका निमोनिक्स बना लो. जैसे ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट कैसे हो गया, फेको निकुंज, तो ये दूसरा पार्ट हो गया आपका. ठीक है, इस तरह से हम दो पार्ट में अपने किसी भी सीरीज को डिवाइड कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. तो ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है. उसी तरह से बाकी ट्रांजिशन सीरीज भी दिया होगा, फोर्थ डी सीरीज, तो वो थर्ड डी सीरीज था, ये फोर्थ डी भी है आपका. इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्लेडनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, तो इसके लिए भी दिया हुआ है. येस्टरडे जोरा नॉब्ड अ मंकी चेकिंग हर रिमेटिक पड़ोसन एजनेस कैडिलैक. अब इससे भी इजी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि है यार जहीर नो बॉल इज एनबी मारेगा तो
तो क्या होगा, तो राहुल रो पड़ेगा और चिढ़ेगा, कोई तो चिढ़ेगा, कौन चिढ़ेगा, आगरकर चिढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इजी वाले भी हैं और कोई और हाई लेवल का जी, तो हाई लेवल वाले भी हैं, तो कोई भी आप रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आपका। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है, लेंथेनम जो होता है जिसका 57 एटॉमिक नंबर होता है, लेंथेनम के बाद यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेंथेनम के बाद सीरियम से लेके जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके ल्यूटेशियम तक, वो सारे एलिमेंट्स एफ लॉक में रखे गए हैं। तो वो उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं, उसकी स्टडी हम एफ ब्लॉक में करते हैं। अब जगह ना होने की वजह से ये जो ये एक्चुअली ये डी ब्लॉक के ही एलिमेंट है जो कि थर्ड पीरियड से स्टार्ट होते हैं, पर जगह ना होने की वजह से उनको कहाँ रखा जाता है, उनको रखा जाता है एफ ब्लॉक में, जो कि आपकी पीरियड टेबल में बॉटम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी है, इसका भी है ला हफ्ता, ये दोनों हफ्ता में आ गया। वरना रोज ओसामा इराक से पिटेगा और हंसेगा। ठीक है, और हंसेगा। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म है जो कि हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड सीरीज का है। नेक्स्ट आपका लास्ट वाला सीरीज इसलिए नहीं दिया गया बच्चों क्योंकि लास्ट वाला जो सीरीज है ना वो टोटली इनकम्प्लीट है और उसके बाद उस सीरीज में जितने भी एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसकी हम स्टडी करते नहीं है इतना डिटेल में। सो दिस इज द रीजन व्हाई लास्ट ब्लॉक इज नॉट गिवन। नेक्स्ट कुछ और टर्म जो हमने पढ़े हैं इसको फिर से ब्रश अप करते हैं। द मेजर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ एन एटम इन पर्टिकुलर कंपाउंड एंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज इन द वैलेंस शेल मोर देन और लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन मोस्टली क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज लॉस्ट बाय दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे सोडियम, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 1 हो जाता है। अब इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर डी ब्लॉक का होने का एक ही रीज़न है कि डी में डी के साथ साथ एस दोनों की एनर्जी लेवल सेम हो जाती है, तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो इसी वजह से उनका ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी हाई होता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक वर्ल्ड हमने देखा था। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, व्हेन सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड वेरी स्ट्रांगली इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये कब होगा, जब आपके एलिमेंट के पास मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आपके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। ओके, राइट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सो एनायन ऑफ मैंगनीज इन विच इट शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। तो मैंगनीज का जो ग्रुप नंबर है उसी के अकॉर्डिंग इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, स्कूल टीचर वेरी क्रूअल मैन। तो ग्रुप नंबर ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, इसका ग्रुप नंबर क्या है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, इससे रिलेटेड इसका हमें एक यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है। सो लेट सी, दिस इज पर मैग्नेट। पर मैग्नेट में मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +7 होता है, तो यहाँ पे ये आंसर होगा। ठीक है, दिस इज द ऑक्सो एनायन ऑफ मैंगनीज वेयर इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर दैट इज 7 +7। तो ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सो एनायन ऑफ क्रोमियम इन विच इट शो द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो स्कूल टीचर वेरी क्रूअल, तो ये क्या होगा, 3, 4, 5, 6 होना चाहिए। तो ये अगेन पोटेशियम डाइक्रोमेट ही होगा। यू कैन सी पोटेशियम डाइक्रोमेट में ये 7 है,
प्लस सिक्स है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये आपका आंसर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, जो ग्रुप नंबर के इक्वल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, तो ग्रुप नंबर पहले फाइंड करो, फिर उससे रिलेटेड इसका किस कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हमें लर्न करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फॉर वन मार्क्स। नाउ दे आर आस्किंग द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट इज वॉट Cr2O7-2, ठीक है, जिसमें दो क्रोमियम है और वो सात ऑक्सीजन से अटैच है। सो लेट सी स्ट्रक्चर बच्चों, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर तो हम बना लेंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो हमें शो करनी है वो क्या है, डाइक्रोमेट जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसमें दो क्रोमियम आपने दिखाया विथ ऑक्सीजन, विथ से सेवन ऑक्सीजन, और यहाँ पे दो क्रोमियम आपके ऑक्सीजन के थ्रू अटैच है। तो यहाँ पे हमें बॉन्ड लेंथ दिखाना है, किसके किसके बीच में हमें बॉन्ड लेंथ, ये जो है आपका क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, दिस इज सिंगल बॉन्ड एंड क्रोमियम इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड विथ योर ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ सिंगल वाले से इससे देखो काफ़ी छोटा है, तो हमें पता है डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ हमेशा छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ मेन हमें जो यहाँ पे हमें मेंशन करना है वो इसका बॉन्ड लेंथ है। स्ट्रक्चर तो बना दोगे, लेकिन स्ट्रक्चर कंप्लीट कैसे होगा, उसके बॉन्ड लेंथ से कंप्लीट होगा। सो यस, वी हैव टू शो बॉन्ड लेंथ हियर, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा, तो दो मार्क्स के लिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। सो योर What are the transition elements? अब सिंपल सा डेफिनेशन पूछा है, उसके साथ साथ क्या पूछा है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सिंपल सा उसका डेफिनेशन लिखना है और उसकी कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन है, ये सिर्फ इसका डेफिनेशन ही है, तो इतना लर्न तो नहीं करना पड़ेगा हमें। हमें सिर्फ ये भी लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स वेयर इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सबशेल इज कॉल्ड एज व्हाट, डी ब्लॉक एलिमेंट, और द एलिमेंट वेयर इट्स डी सबशेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड इट इज कॉल्ड एज व्हाट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखते हैं क्या डेफिनेशन है, दीज एटम्स हुज डी ऑर्बिटल्स आर इनकम्प्लीट इन ग्राउंड स्टेट और इन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज दिस। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप उसका बता दोगे तो और भी अच्छी बात है। अब दो कैरेक्टरिस्टिक पूछा है यहाँ पे, तो कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक बच्चों आप बता सकते हो, या बता सकते हो इट इज हैविंग कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, इट फॉर्म अलॉयज, इट फॉर्म इंटरस्टीशियल कंपाउंड, इट इज हैविंग लस्टर, इट इज मैलिएबल, इट इज डक्टाइल, देर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू योर डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आप कोई भी दो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी है, एक मार्क्स के लिए, हर एक प्रॉपर्टी हाफ मार्क्स की होगी। तो फॉर एग्जाम्पल दे शो कैटालिटिक बिहेवियर बिहेवियर, ये हाफ मार्क्स के लिए हो जाएगा आपका। दूसरा क्या हो जाएगा, दे फॉर्म अलॉयज, दे फॉर्म इंटरस्टीशियल कंपाउंड, दे फॉर्म इंटरस्टीशियल कंपाउंड, ठीक है, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, एनीथिंग। सो एनी टू कैरेक्टरिस्टिक विल गिव यू वन मार्क्स, ठीक है। तो एक मार्क्स इसके डेफिनेशन का, एक मार्क्स इसके प्रॉपर्टीज का या कैरेक्टरिस्टिक का। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय डिसप्रोपोर्शनेशन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन एक्वियस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इसके साथ ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है जो कि है सजेस्ट रीजन फॉर फॉलोइंग फीचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल इन केमिस्ट्री। तो पहला क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर यूजुअली पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है इसका हमें रीजन बताना है। दूसरा, द ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें से जो इजी लगता है वो आप रेफर कर सकते हो। तो देखते हैं पहला वाला डिसप्रोपोर्शनेशन का क्या है एग्जाम्पल। तो जहाँ पे आपका देखो एलिमेंट्स मोस्टली क्या हो रहा है, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है जिस रिएक्शन में, उसको हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।
So the disproportionation is the reaction in which element undergoes self-oxidation and self-reduction simultaneously. Example आप दे सकते हो, this example you can give. So here, यहाँ पे देखो oxidation हो रहा है और इसी element का यहाँ पे reduction भी हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं disproportionation reaction, जहाँ पे self-oxidation, self-reduction हो रहा है copper का, जो कि plus one की form में है, तो इसे हम कहेंगे disproportionation. बहुत simple सा था. तो यहाँ पे देखो एक marks जो है, एक मार्क्स आपके डेफिनेशन के लिए डिस्प्रोपोर्शनेशन के और एक मार्क्स करेक्ट उसके इक्वेशन के लिए. ठीक है, तो करेक्ट इक्वेशन के लिए एक मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ पे. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोस्टली ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, तो ये इसका रीजन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होने की वजह से ये मोस्टली आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं. दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे पूछा गया था कि व्हाट वाज द क्वेश्चन, लेट्स सी इट अगेन. ओके, व्हाई डू दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये तो मैंने बहुत बार बताया आपको बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो डी है एन माइनस डी, डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल दोनों की एनर्जी लेवल सेम होने की वजह से दोनों से इलेक्ट्रॉन इजिली लूज हो सकते हैं. तो इसीलिए दोनों जब इक्वली अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करेंगे तो इसका डेफिनेटली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी हाई होगा. नाउ वी हैव टू कंप्लीट. तो यहाँ पे देखो क्या मार्किंग स्कीम है, यहाँ पे दो दो मार्क्स के लिए था ना ये, या तो ये अटेम्प्ट करो आप दो मार्क्स के लिए या तो ये अटेम्प्ट करो आप दो मार्क्स के लिए. तो यहाँ पे ये इसका एक मार्क्स है फर्स्ट इसका रीजन और सेकेंड क्वेश्चन का अगेन वन मार्क्स, सो यू विल गेट टू मार्क्स फॉर दिस. ठीक है, और यस यहाँ पे जो इक्वेशन हमने लिखा है इक्वेशन को बैलेंस जरूर करना बच्चों. देखो बैलेंसिंग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेडॉक्स रिएक्शन में सीखा है हमने बहुत बार. ठीक है, तो आपको बैलेंसिंग डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अब यहाँ पे देखो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. तो यहाँ पे मैंगनीज जो है, यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट, ये एसिडिक मीडियम में आयरन का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो F2 यहाँ पे F3 में कन्वर्ट हो जा रहा था. ठीक है, तो और ये एल्कलाइन मीडियम में हो रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड आपका आयोडेट में कन्वर्ट हो जा रहा था, जो हमने अभी अभी रिएक्शन देखा था. तो ये दोनों रिएक्शन को हमें बैलेंस करके हमें इसके प्रोडक्ट्स लिखने हैं. तो ये देखो आपका Fe प्लस टू Fe प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जा रहा था और यहाँ पे एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम था और ये बेसिक मीडियम में आयोडाइड आपका आयोडेट में कन्वर्ट हो जा रहा था. तो यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन के साथ करेक्ट प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के आपको एक एक मार्क्स मिलते हैं. तो इसलिए मैंने कहा वही वही रिएक्शन है, लिमिटेड रिएक्शन है और बहुत ही कॉमन रिएक्शन है. तो आप मैंने बताया भाई कि सारे रिएक्शन को एक साथ लिख लो, उनमें सिमिलैरिटी ज़्यादा है, डिफरेंस बहुत कम है, तो आराम से ये सारे रिएक्शन लर्न हो जाएंगे आपको. तो यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है हाफ मार्क्स टू बी डिडक्टेड इन ईच इक्वेशन फॉर नॉट बैलेंसिंग. सो बैलेंसिंग इज मस्ट, ईदर वेदर यू आर राइटिंग करेक्ट और नॉट, बट करेक्ट और नॉट नो, देर शुड बी करेक्ट रिएक्शन फॉर दिस. करेक्ट रिएक्शन के बाद अगर आपकी बैलेंसिंग करेक्ट नहीं है तो आपको मार्क्स आधे ही मिलेंगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बैलेंसिंग करना ही पड़ेगा आपको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका. देर आर फोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. सो दिस इज अगेन इन द फॉलोइंग आयंस, ये है मैंगनीज प्लस थ्री, वेनेडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, सबका एटॉमिक नंबर देखो दिया गया है. ठीक है, विच आयन इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वियस सोल्यूशन. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. विच आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इसका तो अभी हम देखा, हम बता सकते हैं. विच आयन इज कलरलेस एंड विच आयन हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. तो देखते हैं वन बाय वन हर एक का आंसर. ओके, सो हियर विच आयन इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वियस सोल्यूशन. तो मोस्ट स्टेबल कौन होगा एक्वियस सोल्यूशन में, क्रोमियम इज गिवन, इट इज मोस्ट स्टेबल इन इट्स एक्वियस सोल्यूशन. मोस्ट स्टेबल देखो क्यों हो रहा है यहाँ पे, प्लस थ्री में ये मोस्ट स्टेबल है. अब मोस्ट स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि देखते हैं प्लस थ्री में क्रोमियम का क्या है. सो दिस इज क्रोमियम विच इज 24, सो इट इज
it is argon 3d4 and 4s2. ठीक है, तो 3d4 एंड 4s2 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, तो हो जाता है 3d5 4s1. अब ये यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम इसका ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 4s. तो 1 2 3 4 5 और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, तो C+3. ठीक है, +3 मतलब यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो तीन इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे. यहाँ पे जिसके पास जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा एक्वियस सॉल्यूशन में. विच आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सो विच आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सबके पीछे बच्चों एक ही रीजन होता है, अगेन सबके पीछे मैंगनीज इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो क्रोमियम भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पर मैंगनीज आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन में ये चार्ज आपका ज़्यादा बढ़ा देता है, चार्ज में इसके इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा चेंजेस आते हैं. विच आयन इज कलरलेस? अब कलरलेस कौन होगा इसमें से? कलरलेस वही होगा जिसके पास एक भी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो कलरलेस होगा. ठीक है, विच आयन हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? वो तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करोगे, और मोस्टली मैंगनीज के पास हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करके आप वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हो, एंड बाय दैट यू विल कम टू नो विच एलिमेंट इज हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस. फॉर ईच यू विल गेट हाफ मार्क्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इज अगेन दिस इज फॉर 3 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज रिलेटेड टू दिस डी ब्लॉक. तो बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चन हम विथ रीजन, एक बार जो इजी स्टार्टिंग ही थे वो हमने कर लिए, बट अभी बाकी जो क्वेश्चन है यहाँ से एक बार हम कल फिर विथ एक्सप्लेनेशन हम फिर कल डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. सो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एवरीवन.